कोरोना ने स्वास्थ्य सेवा पर गंभीर असर डाला है। जहां लोग डर की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं अस्पतालों में भी गैर कोविड मरीजों का उपचार बाधित हुआ है। इसके बाद भी सरकारें अपने राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का दावा कर रही हैं। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवा पर डाला बड़ा असर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास मौजूद आंकड़ों से जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाली है। हर साल लाखों की तादाद में मरीज आपात स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन कोविड के चलते अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 38% मरीज ही पहुंच पाए, यानी 62% मरीज अस्पताल कम आए, लेकिन इस दौरान मौतें 39% तक बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि महामारी के बोझ से स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से फेल हुई है, ये पूरा देश देख चुका है। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही कुछ भी लिखा जाए, लेकिन सच यही है कि हम अभी भी काफी हद तक नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार अप्रैल 2020 से मई 2021 के बीच ग्रामीण और शहरी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3,69,99,209 मरीजों की भर्ती की गई, जो कि 2019 की तुलना में 38% है। अप्रैल 2020 से मई 2021 के बीच 2,07,795 की मौत हुई, जो कि 2019 की तुलना में 39% अधिक है। ऐसे बदले हालात, इमरजेंसी चिकित्सीय सेवा के तहत ट्रॉमा, प्रसूति, हार्ट अटैक के मामले में पिछले साल की तुलना में इस बार काफी कम हुए हैं। साल 2020-21 के दौरान ट्रॉमा से जुड़े 38.2 लाख मरीज भर्ती किए गए, जो कि 2019 की तुलना में 22% कम है। इनके अलावा बर्न 26, प्रसूति 10, सांप के काटने के 8 और कार्डियक 26 और मस्तिष्क से जुड़ी धमनियों में ब्लॉकेज आदि के मामलों ने 27% की कमी दर्ज की गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।